हेलो। जी हाँ जी, कहाँ मैं हॉस्पिटल के रिसेप्शन से बोल रहा हूँ सर। से बोल रहे हैं? आप जी बोल रहे हो ना? हाँ हाँ बताइए। हाँ आपकी दीदी यहाँ पे अभी आई थी हॉस्पिटल रिसेप्शन से। वो जब स्टेयर्स उतर रही थी उनका पैर फिसल गया और वो थोड़ा सा स्लिप हो गई, तो मुझे लग रहा है इनके हेयरलाइन फ्रैक्चर है। और वो अभी मैं तो यहाँ पे आया हूँ और वो वहाँ पे हैं। दीदी आप तकलीफ काफ़ी है उनको, तो मैंने कहा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। नहीं, 1 मिनट, गिरी है वहां पे। हाँ आपकी दीदी हैं वो रोते हुए बता रही थी कि भैया को फ़ोन कर दो, तो मैंने अपने मोबाइल से किया है। उनका मोबाइल उनके पास है, उसमें भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, सिग्नल विग्नल जा रहे हैं ना, वो भी गिर गया था। मैंने इसलिए नहीं किया फ़ोन के आप पैनिक करें, आप परेशान मत होना, लेकिन ये है कि आधा पौन घंटे से वो अभी चिल्ला भी रही है क्योंकि हेयरलाइन फ्रैक्चर मेरे को लग रहा है छोटा मोटा है उनके। तो दीदी है कहाँ पे अभी? तो अभी वो रिसेप्शन पे ही बैठी हुई हैं, 1.5 घंटा पहले गिरी हूँ, ये रिसेप्शन पे बैठ के रो रही है बहुत तेज। रिसेप्शन पे क्यों बिठा रखा है? तो अंदर लेके जाओ ना। मैं अंदर तो नहीं ले जा सकता सर उनको अभी। अरे क्या पागल आदमी है, तो फोन क्यों कर रहा है फिर मुझे? तो अंदर एडमिट कराना मेरे भाई। भाई सर रजिस्ट्रेशन के ही 1,000 रुपये लेते हैं ना ये लोग। बड़ा आदमी है तू। और कोई लोग वोग नहीं है वहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तुम्हारा हॉस्पिटल का वहाँ पे? अभी तूने फोन किया, मैं आके साले 2,500 रुपये दे दूंगा। अभी काम तो शुरू करो ना। नहीं सर मैं नहीं ले जा सकता, वहां पे 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन लगते हैं ना सर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। पागल हो गया क्या बहन? तू 2,500 ले लियो। मैं अभी तूने फोन किया, मैं पहुंचने में टाइम लगेगा ना, तो उनका काम तो शुरू करवा, मैं आ रहा हूँ। 2,500 रुपये दे दोगे आप? 2,500 रुपये मारूंगा तुम्हारे मुंह पे साले। हजार कंफर्म की बात करने कर से रहा है पहले ही मारोगे आप अभी? क्या कंफर्म? कि जो कॉल करी है मैंने ये जेन्युइन भी है या नहीं, जो आप 2,500 रुपये फौरन देने के लिए बात कर रहे हैं? कहां से बात कर रहा है तू? आई एम सो सॉरी जी। आप सबसे पहले तो इस बात का इत्मीनान रखें कि आपकी दीदी गिरी नहीं है। और मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अब ये क्यों बात कर रहा हूँ प्लीज मेरी इस बात को समझिएगा। मेरी दीदी ठीक है कि नहीं है? आपकी दीदी बिल्कुल ठीक है। क्यों फोन किया है मुझे? जब मैंने फोन किया तो आपने कंफर्म नहीं किया कि ये 2,500 रुपये जो ले रहा है ये इंसान ये जेन्युइन भी है या नहीं, लेकिन तकलीफ में थे आप और परेशानी में थे तो 2,500 रुपये आप मेरे मुंह पे मार रहे थे। एक एनजीओ है, इन्होंने ये लिखा था परसों कि नेपाल में जो अर्थक्वेक आया है वहां के जो लोग परेशान हैं उनके लिए डोनेट करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट करें। और आपने नीचे कमेंट में ये लिख दिया कि ये सब झूठ है, इस तरह के धंधे बंद करो, मुझे मालूम है सारे पैसे कहाँ जाते हैं। आपने कमेंट में ये तक भी लिख दिया ये मेरा नंबर है, मुझसे पैसे निकलवा सकते हो तो निकलवा के देखो। मुझे मालूम है कि ये की जिम्मेदारी नहीं है कि वो नेपाल के लोगों की मदद करे, क्योंकि एक इंसान है तो ये एक इंसान की जिम्मेदारी है कि वो नेपाल के लोगों की मदद करे जो लोग अर्थक्वेक में परेशान हैं, जो लोग अर्थक्वेक में खत्म हो गए हैं, जिनके परिवार बिछड़े हुए हैं, उनकी मदद करे। ये जरा सोचिए तो सही, आप तो दिल्ली में ही थे जब ये अर्थक्वेक आया है। जिस वक्त ये झटके लग रहे थे ना हमें, उस वक्त रूह कांप गई थी लोगों की कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ ज्यादा हो गया तो क्या होगा। ये हम सबको मालूम है कि हम नेचर से कुदरत से लड़ नहीं सकते, ये किसी के हाथ में नहीं था अर्थक्वेक रोकना, लेकिन हम सबके हाथ में है उन लोगों की मदद करना, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हों जो इस हादसे का शिकार हैं, जिनको मदद की जरूरत है। ये मैंने पता किया है नेपाल फोन करके, वहां पे बहुत सारे छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप मलबे में दब गए हैं और मर गए हैं। आपको मालूम है वो बच्चे अपने माँ बाप तक को याद नहीं कर रहे क्योंकि भूख लग रही है उनको, क्योंकि खाना खाना है उनको, क्योंकि चोट लगी हुई है उनको। मुझे मालूम है कि आपने कोई बुरा काम नहीं किया, ये इंसान की मर्जी होती है कि वो किसी की मदद करे या ना करे, लेकिन कम से कम एक ऐसा एनजीओ जो कि ऑथेंटिक है, जो कि नेक काम कर रहे हैं, अगर वो लिखते हैं कि नेपाल के लोगों की मदद करें, तो अगर हम उनको बढ़ावा भी नहीं दे रहे तो कम से कम ये तो ना करें कि हम ये लिख दें कि झूठ बोलना बंद करो और अपने आप पैसे कमाने बंद करो। एक बात सोचिए जरा, जब अर्थक्वेक आता है या ऐसी कोई परेशानी होती है तो मेरे हिसाब से सबसे करीबी जो है एक दूसरे की मदद करने के लिए वो पड़ोसी होता है। आपके फ्लैट के बराबर वाले भाग के आ जाते हैं कि आप ठीक ठाक हैं या नहीं, तो ये भी पड़ोसी है नेपाल। और जरूरी नहीं है कि पड़ोसी हो, दुनिया में कहीं भी इंसान अगर परेशान हो तो हमें मालूम है कि हमें मदद करनी चाहिए और आप करते हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा गलत किया कि इस तरह का कमेंट लिख दिया कि आप पैसे कमाना बंद करिए। हो सकता है दुनिया में इस तरह के लोग हों जो इनके नामों पर पैसा कमाना चाहते हैं और खाना चाहते हैं, तो उनके आमाल उनके साथ हैं और उनका जवाब इस चीज का देना होगा। लेकिन हम ये सोचने लगे कि सारे ही झूठे हैं और कुछ करें ना, तो अर्थक्वेक की कोई खास दुश्मनी नहीं थी नेपाल से, वो दिल्ली में भी आ सकता है, हिंदुस्तान में भी आ सकता है, दुनिया में किसी भी जगह आ सकता है, फिर हम ऐसे ही मोहताज होंगे खुदा नखास्ता मदद के। और अगर वो इसी तरह इग्नोर कर दें तो बहुत तकलीफ होगी हमें और हमारे बच्चों को। जरा इस बात को सोचिए कि एक हेयरलाइन फ्रैक्चर से कितनी तकलीफ होती होगी किसी को जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो गए।
अर्थक्वेक में किसी का दब जाना और मर जाना, इससे ज्यादा तकलीफ की बात हो नहीं सकती उनके लिए जिनके घर वाले बच गए हैं और वो देख रहे हैं कि लोग कैसे मर रहे हैं। I'm sorry, नावेद। अब मैं आपसे मदद चाहता हूं। आप डोनेशन की शुरुआत ऐसे करें कि इस चीज को इतना फॉरवर्ड करिए कि किसी के जहन में अगर नहीं भी है उनकी मदद करना, डोनेट करना, तो वो मजबूर हो जाए और उसको एहसास हो कि लोग परेशान हैं। प्लीज इसको शेयर करिएगा। खुश रहिए, हिफाजत से रहिए और दुआ करिए इस वक्त नेपाल के लोगों के लिए।